प्रिय मित्रों नमस्कार, आपका अभिवादन है, आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर रताश गुप्ता, मैं जूलॉजी का प्रोफेसर रहा हूँ। अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ और सेवानिवृत्त होने के बाद मैं कविताएं अपना पैशन की तरह समझ के और जो मेरे मन से आवाज़ आती है वो मैं लिखता रहता हूँ और उसी सिलसिले को जब फुर्सत मिल जाए या मेरे लिए सहज सरल बन जाए तो उनको कविता संग्रह के रूप में छपवा भी लेता हूँ। और ये परमात्मा ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे पास में ये रंग बिरंगी मैंने ये कविता संग्रह छपा लिया और इसका नाम मैंने रखा रंग बिरंगी कविताएं। इसको मैंने इस कविता संग्रह को मैंने हरियाणा के एकमात्र राजकवि स्वर्गीय उदय भानुवंश जी, जिनका अगर ये देख रहे हो तस्वीर, उनको मैंने समर्पित किया। अब मैं जो पोएम आपके सामने पढ़ूंगा वो पोएम के बारे में आधा मिनट लेते हुए, जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल मेरे घर से कम भी 3 किलोमीटर था, लेकिन बहुत बढ़िया साफ सुथरा हमारा वो गांव था, काफ़ी बड़ा ग्राम था और अंग्रेज़ों के ज़माने से बहुत पुराना स्कूल था। क्योंकि गांव बड़ा था इसलिए जैसे मैंने कहा 2-3 किलोमीटर लग जाते थे घर से वहाँ तक जाने। तो अब मैं इतने उस समय जब जाता था उस समय की याद अभी तक भी है और रिटायर होने के बाद में एक दिन मेरे दिमाग में वो सीन आ गया कि जब मैं जाता था तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड को पीपल के दो बहुत बढ़िया पेड़ थे, बराबर में एक सरोवर था जिसको वहाँ की लैंग्वेज में पोखर बोलते थे और दाहिने साइड को एक पंचक्की थी जहाँ वो आटा पीसते थे। पाकिस्तान से आए थे वो और बढ़िया पंचक्की थी, आटा पीसते थे। तो वहाँ मैं एक बार तो सुबह गए, फिर उसके बाद में वो 10 बजे फिर छुट्टी होती थी 11 बजे गर्मियों में, तो फिर घर खाना खा आते और उसी तरह से दोपहर को फिर सारी छुट्टी हो जाती तो आते, तो लगभग 4-1 चक्कर लग जाते थे। और मैंने उन दोनों में जो देखा उसको मैंने अब देखिए कैसे लिखा है अपने मन का खुशी के लिए कि वो नज़ारा क्या था, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक सरोवर के इस पार जुड़वा बच्चों जैसे दो पीपल के पेड़ थे विशाल, पीपल के पेड़ों सामने आटे की चक्की थी, पीपल पेड़ों व चक्की बीच एक आम रास्ता था व एक पोखर थी। मैं इस रास्ते पर रोज स्कूल जाता था, कंधे पर लटकाए बस्ता बगल में शहद से निकल जाता था, पूरे 2 चक्कर यानी 4 बार रोज आता जाता था, पीपल के पेड़ों तले निकल जाता था मैं हर दिन बचपन में बेफिक्र व पूर्ण आजाद। उस सरोवर के एक छोर पर कुआं था, उस सरोवर के एक छोर पर कुआं था, इस कुआं पर पनहारियों का झरमट रहता था आबाद, दूसरे छोर पर दूसरा कुआं, उसे लक्खी की प्याऊ कहते थे, सरोवर पानी से भरपूर जैसे हो गांव की झील प्रतीत होता था, मेरे गांव की मानसरोवर, इस सरोवर में पशु पानी पीते स्नान करते थे वे स्नान करते थे। सरोवर में कछुआ थे बेशुमार, मैं इन्हें देख कर हो जाता था बहुत हैरान, भैंसें नहाती तैरती पानी पीती होती थी बेफिक्र, अपने शरीर को देती सुख अपार प्यास बुझाती बार बार, ये देखते ही देखते बीत गए बरस न जाने कितने, पर आज लगता है जैसे ये वर्ष हैं 10,000। उन दोनों के पीपल के पेड़ों का देखिए कभी क्या सोच रहा है, उन दोनों तो पीपल के पेड़ों का तनिक न हुआ एहसास, आज 55 साल बाद याद आए हैं ये बारंबार, जैसे वो मेरे संगे साथी थे इस जन्म के भी आर पार। क्या होगा हाल आज उस सरोवर का, क्या होगा हाल आज उस सरोवर का, दोनों कुओं का, पीपल के पेड़ों का,
और क्या वो पनिहारियां बूढ़ी होकर हो गई होंगी दादी नानी परदादी परनानी या मृत या उस दुनिया इस दुनिया के उस पार। हाँ, जो आवाज आज भी सुनाई देती है स्पष्ट, वो है उन जुड़वा पीपल के वृक्षों की सुर लहरी उस प्रदर्श के आर पार। पत्ते लहलाते थे, नाचते थे, चमकते थे, दमकते थे, कानों में बजते थे जैसे हों श्रावण मास के मलहार। धन्यवाद।